नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में ये घड़ी है, ये देखिए। इसका मैं की रॉड बाहर निकाल के टाइम सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसकी कोई भी निडल घूम नहीं रही है। ये देखिए, पूरी तरह से इसका मशीन ख़राब हो चुका है। ये घड़ी बंद है पूरी तरह से। इसमें बैटरी भी चेंज करके देखा, फिर भी ये स्टार्ट नहीं हो रही है दोस्तों। अभी ये घड़ी हम कैसे रिपेयर करेंगे, यही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले ओपनर की मदद से मैंने इसका बैक केस निकाल लिया है। अब हम इसका मूवमेंट बाहर निकालेंगे। सिंपली हम अभी उसका की रॉड रिमूव करने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ जो पॉइंट है, एक नीडल की मदद से मैंने उसे प्रेस करके इसका रॉड बाहर निकालना है। उसके बाद में अब हम इसका मूवमेंट बाहर निकालने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, ये निकल चुका है। ये प्लास्टिक कवर भी हमने रिमूव कर लिया है। अब ये डायल में मूवमेंट फिट है तो ये अब हम रिमूव करने वाले हैं। हम इसका मशीन चेंज करने वाले हैं दोस्तों, ये मशीन ख़राब है। तो अब हम इसका मशीन बाहर निकाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये मशीन प्रेस किया रहता है, इसमें फिट किया रहता है। ये देखिए, ये मेरे हाथ में एक ब्लेड है, इससे मैं उसे धीरे धीरे ऊपर उठा रहा हूँ। ये प्लेट को दो रॉड रहते हैं दोस्तों, वो दो रॉड में ये मूवमेंट फिट रहता है, प्रेस किया रहता है। अब जैसे ही हम मशीन ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे, वैसे ही उसके हावर्स, मिनट और सेकंड की सुई निकल जाएंगी। ये देखिए, तीनों सुई निकली हुई है, उसके तीनों कांटे निकले हुए हैं। मशीन पूरी तरह से बाहर निकल चुका है दोस्तों। अब हम इसे इसमें नया मशीन फिट करने वाले हैं दोस्तों। देखिए, नया मशीन कैसे फिट करना है, यही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अक्सर बहुत सारे ये चाइना मूवमेंट रहता है दोस्तों, ये ख़राब होता ही है घड़ी का। ज़्यादा दिन चल चल के उनके गियर ख़राब होते हैं तो मूवमेंट ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में हम ये घड़ी फिर रिपेयर कर सकते हैं। इसका मूवमेंट अगर हम चेंज करते हैं तो फिर से घड़ी शुरू हो सकता है। ये देखिए, मेरे हाथ में नया मशीन है। अब हम ये मशीन इसमें फिट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसका की रॉड निकाल लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसमें ये पॉइंट पे हमें थोड़ा सा प्रेस करने के बाद की रॉड बाहर खींचना है। ये देखिए, की रॉड निकल गया है। उसके बाद में हम ये डायल में मूवमेंट यानी मशीन फिक्स करने वाले। अभी देखिए, इसे प्रॉपर तरीके से ही फिक्स करना है। ये देखिए, ये डायल को दो पॉइंट दिए हुए हैं, ये दो रॉड है, वो इस ये मशीन में फिट होते हैं। ये मशीन में भी दो छेद रहते हैं, वो दो रॉड इसमें फिक्स होते हैं। देखिए, इधर एक छेद है, ऊपर एक छेद है। देखिए, ये दोनों छेद में वो दो रॉड फिक्स होते हैं मशीन प्लेट के। उसे सिंपली उस पर रखना है रॉड को और प्रेस करना है। ये देखिए देखिए, बराबर मैच करना है इसे। इसको रख के प्रेस करना है। ये देखिए, बैठ गया। अब हम इसे हावर्स, मिनट्स और सेकंड के कांटे फिटिंग करने वाले हैं दोस्तों। एक टू चिमटे की सहायता से हम इसे ये कांटे फिट करने वाले हैं इसके ऊपर। ये देखिए, ये सेकंड कांटा है, ये मिनट कांटा और ये हावर कांटा। सबसे पहले हम हावर्स का कांटा लगाएंगे। ये थोड़ा बारीक काम रहता है दोस्तों, थोड़ा सावधानी से करना पड़ता है।
ये देखिए, ये भी मैं ये हवर्स का काटा इस पर रख के ये चिमटे की सहायता से इसे फिक्स करने वाला हूँ। उसे प्रेस करना है उस पर रख के धीरे धीरे से, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है दोस्तों, नहीं तो ये टूट जाता है। एकदम आराम से धीरे धीरे से उसे सही पोजीशन में लेके उसे प्रेस करना है। अब हम धीरे धीरे से इसे प्रेस कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, ये चिमटे की सहायता से मैं उसे प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये बैठ गया है दोस्तों। अभी इसको थोड़ा पोजीशन उसका सही कर लेता हूँ बराबर। तीन के यहाँ मैंने उसको पोजीशन सेट कर दिया है। अभी दूसरा हम मिनट वाला काटा इसमें फिटिंग करने वाले हैं, वो हम 12 की पोजीशन में उसे सेट करने वाले हैं। तो जब हम 12 की पोजीशन में उसे सेट करेंगे तो 3 का टाइम अपना उसमें फिक्स हो जाएगा कि 3 के टाइम्स पे बराबर लगा हुआ है, एक काटा 12 पे और एक काटा 3 पे। इसे भी मैंने चिमटे की सहायता से धीरे धीरे प्रेस करके फिट कर लिया है दोस्तों। अब इसका भी पोजीशन में बराबर सेट कर रहा हूँ 12 पे। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सेल चेंज करते हैं घड़ी का, और सेल चेंज करने के बाद घड़ी नहीं चलता है तो हम लोग बोलते हैं घड़ी ख़राब हो गया है, ये अभी रिपेयर नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, घड़ी रिपेयर होता है। इसका मूवमेंट हम चेंज करते हैं तो ये भी घड़ी रिपेयर हो जाता है। अब ये सेकंड वाली सुई है दोस्तों, यही सबसे मुश्किल काम रहता है, बराबर पॉइंट में बिठाना है उसे। बहुत ही छोटा पॉइंट रहता है, बराबर उसमें बिठाना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद ही ऊपर से ऐसे प्रेस करना है थोड़ा सा, तब वो इसमें बराबर फिट हो जाता है दोस्तों। अब हमने सेकंड का काटा भी फिटिंग कर लिया है दोस्तों। अब हम इसे केस में फिट करने वाले हैं। ये डायल केस में फिट करेंगे। ये देखिए, मेरे पास इसका केस है। अभी इसमें हम ये डायल फिट करने वाले हैं दोस्तों। देखिए, इसके रॉड के साइड को एक होल रहता है, उसी साइड को हमें वो फिट करना है। केस में हमने डायल फिट किया है दोस्तों। अब ये देखिए, इसका चाबी हम प्रेस करके उसमें लगाने वाले हैं। और ये देखिए दोस्तों, घुमा घुमा के अंदर प्रेस करके चाबी लग गया है। ये मूवमेंट का ऊपर का प्लास्टिक कवर है। अभी ये बैटरी भी मैंने नया लगाया है इसमें। ये देखिए, अभी देखेंगे घड़ी स्टार्ट हो रहा है नहीं। ये प्लास्टिक कवर है, मूवमेंट के साइड में लगाते हैं, इससे मूवमेंट हिलता नहीं है। ये देखिए दोस्तों, घड़ी स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, घड़ी बिल्कुल चलने लगा है। ऐसे ही आपकी बंद हुई घड़ी रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। इसे फेंकना नहीं है दोस्तों, ये रिपेयर हो जाता है। अब हम इसका बैक केस प्रेस करके लगा रहे हैं दोस्तों। ऐसे ही आप हर कोई घड़ी रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। ये चाइना मूवमेंट रहता है दोस्तों, इसलिए ये हमें रिप्लेस ही करना पड़ता है। इसका सर्विसिंग नहीं होता है दोस्तों, ये चेंज ही करना पड़ता है। दूसरा ब्रांडेड घड़ी का दोस्तों मूवमेंट सर्विसिंग होता है, उसका मशीन का गियर, कॉइल, पीसीबी, ये सब पार्ट चेंज होते हैं। उसका वीडियो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए दोस्तों।